वीडियो पसंद आई तो यार लाइक करना, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सेक्स मीटिंग करो या फिर बेफालतू की उसे चुम्मिया दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो दोस्तों आपने जो स्टेटस देखा है प्रीव्यू में, इस तरह का स्टेटस बनाने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है अलाइट मोशन, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। अगर आपको विदाउट वाटर मार्क वाला डाउनलोड करना है तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिल जाएगी, उसे देखकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होने वाला है, फोटो एंड वीडियो, तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर अपनी फोटो को लगाकर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में एक सोम बीट मारा दूसरा सेक इफेक्ट नाम का दो लिंक मिल जाएगा, उसे आपको इनपुट कर लेना है अपने लाइट मोशन में। आप उस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन में, तो आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से इंटरफेस खुल जाने के बाद दोस्तों आपको एक सॉन्ग बीट मार और दूसरा सेक इफेक्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना, सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलने के बाद जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो क्लिप को ऐड करना है, तो दोस्तों वीडियो क्लिप को ऐड करने के लिए इस तरीके से हमें 8.17 पे आना है। इसके बाद दोस्तों प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर जाना है, मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों हमें इस बॉक्स के नीचे क्लिक कर देना है, तो दोस्तों हमारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके रखे होंगे वीडियो क्लिप को, तो दोस्तों आप उस फोल्डर से वीडियो क्लिप को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों मैंने वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लिया, एक बार तीर के आइकन पर क्लिक करना है, दोस्तों वीडियो क्लिप बढ़ा है तो दोस्तों हमें इस वीडियो क्लिप को कट कर देना है इस तरीके से, तो दोस्तों हमारा वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, जैसे कि दोस्तों हमें यहाँ पर फोटो को ऐड करना है, जैसे कि दोस्तों हमें ग्रुप पर भी फोटो को ऐड करना है और दोस्तों इसके नीचे वाले लेयर पर भी फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए इस तरीके से हमें लेयर पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर आ जाना है, स्टार्ट पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों इस तरीके से फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर क्लिक करके अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है, आप जिस भी फोल्डर में फोटो को रखे, तो दोस्तों चलिए हम अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लिया, फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों हमें प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारी फोटो ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें इस हार्ड पर फोटो को ऐड करने के लिए ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमें इमेज वाले लेयर पर क्लिक करके कलर फील्ड पर आ जाना है, स्टार्ट पर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरी फोटो पहले से ही सेलेक्ट है, तो दोस्तों हमें प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारी फोटो ऐड हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों हमें बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद दोस्तों हमारा यहाँ पर काम हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हमें एक बार बैक आ जाना है, फिर से बैक आ जाने के बाद सेक इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। सेक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जैसे कि हमें यहाँ पर बहुत सारे लेयर दिखाई दे रहे होंगे, तो दोस्तों इस तरीके से हमें इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करके सेलेक्ट वाले लेयर पर क्लिक कर देना है, फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी लेयर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हमारा सारा लेयर कॉपी हो जाएगा, कॉपी हो जाने के बाद बैक आ जाना है, बैक आ जाने के बाद सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है, सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें इन सभी लेयर को पेस्ट करना है। तो दोस्तों पेस्ट करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक करके पेस्ट लेयर पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों हमारा सारा लेयर पेस्ट हो जाएगा सभी बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, तो दोस्तों हमारा सभी लेयर पेस्ट हो चुका है लास्ट तक। तो दोस्तों हमें इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है, तो दोस्तों इन सभी लेयर पर फोटो कैसे ऐड करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए इस तरीके से हमें फर्स्ट में आना है, फर्स्ट में आने के बाद दोस्तों हमें इस लेयर पर क्लिक कर देना, कलर फील्ड पर आ जाना, स्टार क्रॉस पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों इस तरीके से आपका फोल्डर ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना, तो दोस्तों इस तरीके से आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फील्ड पर आ जाना, स्टार क्रॉस पर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर आ जाना, स्टार क्रॉस पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर आ जाना है, सॉरी दोस्तों मैंने दूसरे आइकन पर क्लिक कर दिया था, तो दोस्तों आपको इस लेयर पर क्लिक कर देना है। फिर से इसके बाद दोस्तों जैसे दोस्तों मैंने गलत क्लिक कर दिया, दोस्तों आप इस वाले लेयर पर फिर से क्लिक करना है, कलर फील्ड पर आ जाना, स्टार क्रॉस पर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद दोस्तों आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर आ जाना, स्टार क्रॉस पर क्लिक करके कोई फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको सेम किया करके जितने भी लेयर दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को इसी तरीके से सेम किया करके सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है, लास्ट तक सभी लेयर पर फोटो ऐड हो जाएगी आपकी बहुत ही ईजी एंड आसान तरीका से। जैसे कि दोस्तों मैंने इन सभी लेयर पर इफेक्ट को क्रिएट करके पहले से ही दे दिया है, सिर्फ आपको फोटो को ऐड करना है। तो दोस्तों आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है, तो दोस्तों आप सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लीजिएगा, फोटो ऐड कर लोगे तो दोस्तों आपका वीडियो बहुत ही ईजी एंड आसान तरीके से बन जाएगा। तो दोस्तों आप इस तरीके से ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करने के लिए इस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद दोस्तों आपको एक और इंटरफेस खुल जाएगा, तो दोस्तों आपको सेव वाले आइकन पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपका वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से न्यू धमाकेदार वीडियो एडिटिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए, इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक